व्हाट्सएप स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज शेयर करने लगी हूँ। 72 सीट्स आई हैं न्यू फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर सीनियर एलिमेंट्री टीचर, जो कि स्कूल्स और कॉलेजेस में हायर होंगे। इनका जो स्केल है वो BS 16 है, ठीक हो गया। सीट्स ये 72 हैं और ये फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की जॉब है। और यहाँ पे जो इस टीचर का नाम होगा वो ये है कि ये सीनियर एलिमेंट्री टीचर होगा और इसकी हायरिंग स्कूल और कॉलेजेस में होगी। यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। इसके बाद अगर आपके जहन में ये आता है कि 72 सीट्स पंजाब के लिए नहीं हैं, बल्कि ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए हैं, ठीक हो गया। इसमें 36 सीट्स जो हैं वो पंजाब के लिए हैं, सिंध के लिए इसमें 9 सीट्स हैं, और जो अर्बन सिंध है उसके लिए 5 सीट्स हैं, केपी के लिए 9 सीट्स हैं, यानी कि जो खैर पख्तूनख्वा हैं उसके लिए 9 सीट्स हैं, बलूचिस्तान के लिए 4 सीट्स हैं, फाटा के लिए 2 हैं, और गिलगित बलूचिस्तान के लिए 1 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 1 है, और मेरिट जो है उसके लिए 5 है। 72 सीट्स हैं ये ओवरऑल। मेरिट में मिनोरिटी आ जाएगी, नॉन मुस्लिम्स आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे। 72 ये टोटल सीट्स हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया है, वो ये है कि किसी भी पर्सन ने जिसने BS ऑनर्स किया है, बैचलर किया है या मास्टर किया है फिज़िकल एजुकेशन में, और सेकंड डिवीजन में किया है या ग्रेड सी में किया है, वो इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा जिस बंदे ने MEd किया है, BEd किया है या एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो 20 से 28 साल है, और 5 साल की अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन है। मैं आपको सिलेबस बताऊँगी इसका, कि इसका सिलेबस क्या है, एवरीथिंग बताऊंगी। इसकी जो लोकेशन है पोस्टिंग की, वो इस्लामाबाद के स्कूल और कॉलेजेस हैं, ठीक हो गया। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं सिलेबस की जानिब। इसका जो सिलेबस है वो है कि MCQs बेस ये पेपर होगा, 100 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक हो गया। इसमें 2 पार्ट होंगे पेपर के, Part 1 and Part 2। Part 1 के अंदर इंग्लिश 20 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश में वोकेबलरी, ग्रामर और स्टेंस को यूज़ करना और उसका स्ट्रक्चर, बस इतना ही पूछा जाएगा। उसके बाद Part 2 की बात करें तो वो सारा का सारा प्रोफेशनल बेस होगा, यानी आपने जो पढ़ा है अपनी डिग्री में उससे रिलेटेड होगा। ये आपके सामने है कि क्या कुछ आएगा इसमें जी। तो करिकुलम डेवलपमेंट इन फिज़िकल एजुकेशन हम सब पढ़ते हैं, बड़ा आसान सब्जेक्ट है। रूल्स ऑफ गेम, जिसमें सारी गेम्स आ जाएंगी। बेसिक ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी है, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट न्यूट्रिशन है, ट्रोमा रिहैबिलिटेशन है, टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन इन फिज़िकल एजुकेशन है, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स है, एथलेटिक इंजरीज है, हैंडीकैप स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तमाम इसे पूछा जाएगा, और आई होप कि ये ज़्यादा आसान है बनस्पत PPSC के, क्योंकि वो मुश्किल होता है, तो बहुत ही आसान है, आप इसको पास कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की मैं आपसे एक एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूं इस पोस्ट से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।